अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी फ्रूट पंच या पार्टी कॉकटेल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है जो आप किसी भी पार्टी में, बर्थडेज में या ईद के सेलिब्रेशन में आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक जार में सबसे पहले आइस डाली है। मैंने इसमें ऑरेंज स्लाइसेस डाले हैं, इसके साथ ही स्ट्रॉबेरीज और फिर इसके अलावा ग्रेप्स डाले हैं और फिर कुछ लेमन स्लाइसेस डाल रही हूँ। ये चीज़ें बहुत ही फ्रेशनेस पैदा करती हैं। इसके बाद आप इसमें स्पार्कलिंग वाटर या फिर मिनरल वाटर डाल सकते हैं और जो भी हम चीज़ें इसमें डालेंगे वो ठंडी होनी चाहिए। इसके बाद आप अपनी पसंद का कोई भी जूस, जिसमें ग्रेप जूस हो सकता है, ऑरेंज जूस हो सकता है या पाइनएप्पल जूस, वो आप डालें। तो मैं इसमें ऑरेंज जूस डाल रही हूँ। इसके बाद मैं अब इसमें एक बड़ी बॉटल मैंने जिंजर सोडा की डाली है। बेसिकली ये जो ड्रिंक है वो फ्रूट और फिजी ड्रिंक्स का मिक्सचर है और हम कुछ इसमें एडिशनल फ्लेवर्स डालकर इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस करते हैं। अब मैं इसमें 7-Up डाल रही हूँ। आप 7-Up या किसी किस्म का सोडा या पेप्सी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त 3 कैंस जो कि चिल हैं वो मैं इसमें 7-Up के डाल रही हूँ। और आप ये जब सर्व करना हो उसी वक्त ये फिजी ड्रिंक्स डालें। किसी भी आप पार्टी के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसको एंड पे ही तैयार करें ताकि जो इसका टेस्ट है वो बरकरार रहे। अब हम इसमें कुछ फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए चीज़ें डालेंगे। तो मैंने 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाला है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। साथ ही मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ और जो शुगर है वो मुख्तलिफ जो सोडा और इसके अलावा जूस से मिल जाएगी। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह स्टर करूँगी ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है और मैं अब इसमें मिंट लीव्स डालूँगी जो कि मैंने अपने घर के ताज़ा इसमें डाले हैं। आप इस तरह मिंट जो है वो किसी भी बॉटल में उगा सकते हैं। फ्रेशनेस इससे बहुत मिलेगी और टेस्ट भी इसका अच्छा होगा। तो अब हमारा ये मज़ेदार सा, रिफ्रेशिंग और बहुत ठंडा ठार सा फ्रूट पंच तैयार है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे क्योंकि ये इतना ही मज़े का है कि आप इसको बार बार ट्राई करना चाहेंगे। और हमारे घर में किसी भी पार्टी या किसी भी दावत के ऊपर ये ज़रूर बनता है। और आपने मुख्तलिफ किस्म के शायद कॉकटेल की रेसिपीज़ देखी हो लेकिन ये रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। तो हम तो अपनी ईद की पार्टी में इसको इंजॉय कर रहे हैं, आप भी अपनी पार्टीज में इसको बनाकर इंजॉय करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।